Hello friends, this is Delhi Tarot and I'm Dr. Sunitha Tank. My apologies, we were able to cover lot of signs earlier but few important signs were left. और बहुत लोगों ने मुझे कहा remaining signs के लिए, और एक request करना चाहूँगी, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी सारे साइंस को कवर करें. फिर भी कई बार हमें दो तीन दिन लग जाते हैं बिकॉज वी वर्क ऑन आर एनर्जीज और ऑन इंट्यूशंस अ लॉट बिफोर डूइंग एनी रीडिंग. एंड वंस वी फील वेरी हैप्पी एंड चीयरफुल फ्रॉम इनसाइड, वी क्विकली स्टार्ट आर रीडिंग्स फॉर ऑल द सन साइंस. सो दिस इज द लास्ट सन साइन टू बी कवर्ड फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2020, दैट इज पाइसिस. एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर कि हमने रीडिंग्स जो हैं सेप्टेम्बर मंथ से स्टार्ट करी. अगर आपको लगता है कि हम अगस्त के लिए भी, क्योंकि अभी अगस्त में कुछ दिन और रह गए हैं, अगर आपको लगता है कि हम किसी पर्टिकुलर अगस्त मंथ के लिए रीडिंग करें, किसी पर्टिकुलर एरिया पे रीडिंग करें, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट सेक्शंस में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दैट एरिया एज वेल. एंड दिस इज़ द लास्ट रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2020, दैट इज स्पाइसिस. और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है. समथिंग विच रेजोनेट्स विथ यू प्लीज पिक इट अप, एंड समथिंग विच डज नॉट रेजोनेट विथ यू काइंडली लीव इट फॉर अदर, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल कवर्ड इन द सेम सन साइन. सो दिस इज द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2020 फॉर माई वेरी डियर फ्रेंड्स हु बिलोंग्स टू द सन साइन ऑफ Spices. और हमें एक रिक्वेस्ट और आई है कि मैम प्लीज़ थोड़ी सी करियर के लिए, फाइनेंसिस के लिए डिटेल रीडिंग करें. तो हम अगली बार ज़रूर कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ से लिए, या हम अगर मिड मंथ की रीडिंग भी करेंगे, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि करियर और फाइनेंसिस को और डिटेल में हम स्टडी करके, प्रिडिक्ट करके आपको ज़रूर बताएं. वी ऑलवेज लुक फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड सजेशंस. और हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और जब भी आप कुछ रिक्वेस्ट करेंगे हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसको कवर अप करें. चलिए, वी आर रेडी एंड लेट अस सी व्हाट द कार्ड्स हैज टू टेल फॉर योर health, for your career and finances, and for your relationship. Lovely, page of cups for your health. आपकी health वैसे बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन एक message है कि अगर आपको कहीं कुछ भी लगे, हल्का सा भी message लगे, body आपको signal दे कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, तो बिना किसी चीज़ को रोके, बिना किसी इंटेंशन को इग्नोर करें, आप क्विकली एक मेडिकल चेकअप के लिए ज़रूर जाइएगा. डोंट इग्नोर इफ़ यू आर गेटिंग एनी सिग्नल. और करियर के लिए हम देखते हैं, करियर के लिए वी हैव द मून. मून शोज़ कि कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ के लिए कन्फ्यूजन है, और क्योंकि हमें रिक्वेस्ट स्पेशली पाइसिस के लिए आई है तो हम उस रिक्वेस्ट को बिल्कुल ऑनर करेंगे. हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स जो हमें रिक्वेस्ट करेंगे उसको हम ज़रूर ऑनर करते हैं. तो क्योंकि मून एक कन्फ्यूजन से भरा कार्ड है, तो इसके लिए हम दो कार्ड्स और निकालेंगे ताकि आपको करियर और फाइनेंसिस में हम थोड़ा डिटेल बता सकें. ओके, फर्स्ट कार्ड आफ्टर मून, which is a confusing, which says that you have some confusion, we have seven of coins. Seven of coins shares कि अगर आपने पहले कोई hard work किया है, पहले कोई sincerity से भरे आपके efforts रहे हैं, अभी आपको किसी भी action की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई movement नहीं हो रही है तो आप अभी रुकें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पुश ना करें. जितना आपने अभी तक किया है उसको अभी संभाल के रखें. डोंट डू एनी एक्शन. दिस कार्ड क्लियरली शोज कि अभी आपको अगर कुछ पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिख रहा, कोई मूवमेंट होती हुई नहीं दिख रही है, तो प्लीज़ आप चीज़ों को पुश ना करें, उसको अभी एज इट इज़ रहने दें. और थोड़े टाइम में जब आपको हल्की मूवमेंट नेचुरल वे में दिखेगी तभी आप कोई एक्शन लें. क्योंकि अभी आपका मेन कार्ड कन्फ्यूजन का भी है, तो इसीलिए सजेस्टेड है कि आप कोई भी एक्शन अभी ना लें. और देखते हैं दूसरा कार्ड करियर और फाइनेंसिस से रिलेटेड आपका क्या कहता है, द हर्मिट. देखिए ये बहुत ही कनेक्टेड रीडिंग है और कनेक्टेड कार्ड्स हैं. पहला कार्ड आपका था द मून का, विच शोज अ लिटिल कन्फ्यूजन, और दूसरा कार्ड आया है कि आपको अभी कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है. और उसी के कॉन्टिन्यूशन में जो कार्ड आया है द हर्मिट, द हर्मिट इज द कार्ड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन.
जब हमने आपको बताया कि अभी आपको कोई मूवमेंट नहीं करनी है, तो कार्ड का एक मैसेज ज़रूर है कि अब तक आपने अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में जो भी किया, अब आपको रुक कर एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि आपने अभी तक अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को कैसे चलाया, उसमें आपके स्ट्रेंथ क्या रहे, आपकी वीकनेसेस क्या रहीं, कौन से एरियाज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो जब आप अपने आप को अंदर से देखेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अपने बेटरमेंट के लिए, अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान देंगे, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, अपने आप आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सो आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आप कोई भी एक्शन अभी ना करें, कोई मूवमेंट ना करें, क्या करने की ज़रूरत है आपको, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की। आपने अभी तक जो भी किया है उसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें और प्लीज़ अपने स्ट्रेंथ पे वर्कआउट करें और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोशिश करें। जब आप अपने अंदर और सिचुएशन को झांक कर देखेंगे तो आपकी बहुत हद तक कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और थोड़े दिनों बाद 15-20 दिन रुक कर आप कुछ ना कुछ अपने मन से प्लान कर सकते हैं कि अब आपको आगे मूवमेंट कैसे करनी है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट टिल द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड, I would request not to take any action, any movement in the area of career and finances. And please do self-introspection to work on your strength and to overcome your weaknesses. And let us see what is there in your relationship. बहुत ही beautiful card है, Two of Cups. आपके relationship पहले से बहुत strengthen होंगे, पहले से बहुत strong होंगे और कोई ना कोई आपको relationship में ज़रूर मिलेगा। मेरे गाइड मुझे बता रहे हैं, मेरी इंट्यूशन मुझे बता रहे हैं कि दिस इज़ बेसिकली अ पर्सनल टाई अप। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, सो यू विल फाइंड अ राइट प्रपोजल। अगर आप किसी अच्छी फ्रेंडशिप की तलाश में हैं तो आपको अच्छी फ्रेंडशिप मिलेगी। आपका कोई पुराना दोस्त है जिसको आप बहुत दिनों से याद कर रहे हैं, हो सकता है वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो ये जो मेरी इंट्यूशन है वो ये मुझे क्लियरली बता रही है कि आपका जो मिलन है वो अपने किसी रिलेशनशिप के साथ पर्सनल लेवल पर ज़रूर होगा। एंड लेट अस सी कि आपकी एनर्जी की कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके खुद के ऑरा क्या कहते हैं, आपकी एनर्जीज, आपके ऑरा, आपके लाइफ सक्सेस के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, जितना हम स्पिरिचुअली क्लियर होते हैं, आप हमेशा ज़िंदगी में ये पाएंगे कि आपका जितना एनर्जी और ऑरा स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगा, आपके ओवरऑल चाहे वो हेल्थ हो, लव हो, रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, आप पाएंगे कि उसमें हमेशा ओवरऑल एक बहुत ही स्मूथ वे आपको मिलेगा और स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने के बाद आपकी ओवरऑल ब्लॉकेजेस और चैलेंजेस लाइफ में अपने आप दूर होती चली जाएंगी। और अब देखते हैं कि हमारे पाइसेस फ्रेंड्स के लिए हमारी एनर्जी और ऑरा कार्ड्स क्या कहते हैं। ये आपकी खुद की एनर्जीज हैं, खुद के ऑराज हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड लेट अस सी कि आपकी एनर्जी और आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंड वी आर रेडी। ओके, एक्शन। लवली, एक्शन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी और ऑरा आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, आपको इनकरेज कर सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है कि आप एक्शन लें। लेकिन क्योंकि अभी आपकी रीडिंग में स्पेसिफिकली आया कि क्योंकि अभी आप कन्फ्यूजन के थ्रू चल रहे हैं, तो अभी आप सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आपकी अपनी एनर्जीज या ऑरा ज़रूर आपको एक्शन के लिए मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे, बट मेरा सजेशंस फिर भी यही रहेगा कि आप पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद सितंबर एंड में ही आप उस एक्शन को प्लान करें। पूरा थॉटफुल वे होना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ क्या रहे और आपको वीकनेसेस को कैसे कवर अप करना है, और उसके बाद आप अपना एक्शन प्लान बनाएं। तो आपकी एनर्जी और ऑरा ज़रूर आपको मोटिवेट कर रहा होगा, लेकिन करना आपने थोड़ा टाइम रुक कर है जब आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर लेंगे कि अब आपको वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदलना है। और अब देखते हैं कि आपके डिवाइन मैसेजेस आपके लिए क्या कह रहे हैं, आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। हम ये ज़रूर देखना चाहेंगे कि डिवाइन कम्युनिकेशन हमारे पाइसेस फ्रेंड्स के लिए क्या कह रही है। सो दिस इज़ फॉर द सन, मून एंड राइजिंग स्टार ऑफ पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020।
वी आर रेडी। लेट अस सी क्या मैसेज है डिवाइन का हमारी तरफ से। न्यू होम लवली। मूविंग इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू। एश्योरिटी है ये कि जब आप अपने पर काम कर लेंगे, अपना एनालिसिस कर लेंगे और उसके बाद आप एक्शन लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टेप की तरफ आप ज़रूर मूव करेंगे। न्यू होम का मतलब सिर्फ न्यू होम ही नहीं है, न्यू होम का मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू करियर, न्यू रिलेशनशिप, न्यू बिजनेस वेंचर, समथिंग न्यू विच इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर, मच मोर फ्रूटफुल, मच मोर बेनिफिशियल वंस यू आर टेकिंग अ वेरी थॉटफुल एक्शन। प्लीज़ इसको बिल्कुल ना भूलें कि जब आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करेंगे, तो आप अपने आप को ज़्यादा जानेंगे। और जब आप अपने आप को ज़्यादा जान लेते हैं तो काम पहले से बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ही आप एक्शन लें, और जब आप एक थॉटफुल एक्शन लेंगे तो देयर इज़ अ प्रॉमिस कि आपका न्यू होम, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ, न्यू बिजनेस वेंचर और न्यू करियर ज़रूर स्टार्ट होगा। और क्योंकि वो एक बहुत थॉटफुल वे में आप आगे बढ़ेंगे, आई एम श्योर वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपको किस तरीके से रिजोनेट कर रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगस्त मंथ की रीडिंग करें तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि रीडिंग सारे साइंस की बिल्कुल जल्दी करें। थैंक यू सो मच एंड बी ब्लेस्ड।